Hey guys, this is Fazan Sheikh and you are watching Evol Motors. तो ये गाड़ी रहेगी अपनी जैसा कि आप देख पा रहे हो. कर दो बंद. Hey guys, तो finally wait is over. आपको जो मैं जीप वगैरह के बारे में बता रहा था ना, बच्चों के अंदर टॉप मॉडल है टॉप मॉडल है टॉप मॉडल है, तो आ गई अपने पास में KP906. यार गाइस ना, ये बीस्ट मॉडल है. इसके बाद ना मेरे हिसाब से कोई मॉडल्स ही नहीं है. बच्चों के अंदर सबसे टॉप मॉडल आएगा, बेहतरीन चीज आएगी 4x4 में. गाइस तो इसके फीचर्स वगैरह की बात करते हैं अगर अपन, तो फीचर्स वगैरह आपको मैं एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजें बताता हूँ कि अंदर इसके अंदर क्या क्या आएगा. सबसे पहले फीचर्स की बात करें ना अपन, तो सबसे मेन चीज क्या होती है, आदमी को चलाना है. बच्चा चलाएगा तो इंडोर भी चला सकते हैं इसको, आउटडोर भी चला सकते हैं. आप ना इसको ऑफ रोडिंग भी कर लो इसके साथ, और ऑन रोड पे चलाना चाहो तो भी चला सकते हो. इसके अंदर अगर मैं टायर्स वगैरह की बात करूँ ना, तो टायर्स बहुत हैवी टायर्स हैं. दूसरे अगर गाड़ियों की कंपेयर अपन करते हैं ना दूसरे गाड़ियों से, तो उससे लाख गुना अच्छे टायर्स हैं इसके अंदर. एक सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है टायर में आपको पता है, इसके अंदर ना जो ग्रिप आएगी, जो ट्रैक्शन रहता है ना रोड के बीच में और टायर्स के बीच में, तो ये बीच में जो ग्रिप है ये ना रबर की ग्रिप है. जो अपने ओरिजिनल बाइक्स में जो आते हैं ना ग्रिप, सेम वही ग्रिप आती है. मेन ग्रिप जो है वो पूरी रबर की ग्रिप है, तो फ्रिक्शन नहीं लगना है. बहुत अच्छी चलती है गाड़ी, बहुत अच्छी चलती है, मज़ा आएगा चलाने में. और ऑफ रोडिंग की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड है, जैसे गाँव में रहता है हल्का सा. बहुत ज़्यादा अगर बम्पी रोड है तो वहाँ तो मुश्किल है चलना, कोई सी भी गाड़ी नहीं चलेगी इस रेंज के अंदर. बट अगर अपन थोड़ा सा ब्लॉक्स लगे हुए हैं या थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड है, गांव का जैसा रहता है ना, थोड़ा सा खुदे हुए रहता है, कोई इशू नहीं आएगा, चला सकते हो आप. और ऑन रोड पे तो कोई समस्या ही नहीं है. और अगर दूसरी चीज़ के बारे में अपन बात करें, तो इसके अंदर ना जो कंसोल आता है, कंसोल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है. इलेक्ट्रॉनिक कंसोल है, फुल डिजिटल कंसोल आएगा इसके अंदर. स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है इसके अंदर, अलग अलग मोड्स आएंगे. ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप ब्लूटूथ चला लो. इसके अंदर आपको एक रॉकिंग मोड मिलेगा, एक फास्ट स्लो का मोड मिलेगा. गाने आप आगे करना चाहो पीछे करना चाहो, पूरे बहुत सारे इसके अंदर इनबिल्ट गाने भी हैं. अब इसके अंदर एक फीचर और क्या, स्टेयरिंग कंट्रोल जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है ना, स्टेयरिंग कंट्रोल में सेम ये गाड़ियों में भी है, एकदम ओरिजिनल टाइप है. यहीं से आप मोड चेंज करा आपने, ब्लूटूथ सेट के उस पर आया है, इस पर से आप गाने बजाओ. अलग अलग सॉन्ग्स हैं, अलग अलग म्यूजिक्स हैं, अलग अलग आपको स्टोरीज हैं. ये देखो सारे चेंज हो जाएंगे. हॉर्न बजाना, हॉर्न भी बजेगा. कोई सामने आ गया बच्चे के, हॉर्न बजाओ. यहीं से गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, सॉन्ग स्टॉप हो जाएंगे, सब कुछ यहीं से हो जाएगा बॉस. स्टीयरिंग कंट्रोल आपने देख लिया है, LEDs आपने देख लिए हैं. और इसके अंदर एक फीचर और देखिए, LED का आता है. यहाँ से शट डाउन हो गया, अब यहीं से आप इसको प्रेस कर करोगे कि 3 सेकंड, तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. ऐसी लगती है ये स्टार्ट होने पे, सारी LEDs जल जाएंगी. इसके अंदर एक फंक्शन और आप देखो कि अगर इस पर अपन एक बार टैप करोगे ना, तो ऐसा ये डिस्को वाली लाइट चल जाएंगे, डिस्को वाली. लुक्स देखो यार एक बार गाड़ी का, एक बार मैं आपको पूरा लुक्स दिखाता हूँ. यहाँ से गाड़ी हो गई, यहीं से आपका डोर लग जाएगा. ये टायर्स आप देखो कितने बड़े टायर्स हैं, साइज आप देखो. सस्पेंशन देखो आप, सस्पेंशन क्या चीज़ है, सस्पेंशन चेक करें. इसके अंदर जो स्टिकर्स हैं ऑफ रोडिंग 4x4, बेहतरीन चीज़ है बॉस. इसके अंदर आपको जो मिलेगा यहाँ पे बच्चे के लिए है, यहाँ से फॉरवर्ड का बटन दबाया, यहाँ से एक्सलेटर, ये आगे जाएगी. बैकवर्ड किया, यहाँ से एक्सलेटर दबाया, पीछे जाएगी. फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर वेयर का कोई झंझट नहीं, बच्चा चलाएगा मस्त, कोई दिक्कत. गाइस तो इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या चीज़, ये आपको मैं बता दूँ. इसके अंदर ट्रांसमीटर मिलेगा, ट्रांसमीटर आप चेक करो, फॉरवर्ड रिवर्स. इसके अंदर लेफ्ट और राइट का फंक्शन है, एक पार्किंग का फंक्शन है, एक स्पोर्ट्स का फंक्शन है. स्पोर्ट्स पे डालोगे तेज चलेगी, हटा दोगे धीरे चलेगी. एक इसका कनेक्ट करने के लिए रिमोट को गाड़ी के साथ में पैर करने का फंक्शन आता है. इसी ट्रांसमीटर के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो 2.4 GHz का ट्रांसमीटर है. अगर मान के चलो इसकी रेंज अगर मैं आपको बताऊँ ना, रेंज कितनी दूर तक के चलेगी गाड़ी एक ट्रांसमीटर के साथ में, तो ट्रांसमीटर के साथ में आप मान के चलो ये चल जाएगी तकरीबन 100 से 150-200 मीटर तक के आराम से चले जाएगी. आप आराम से बैठे रहो, पूरे गार्डन में गाड़ी घुमाओ, ट्रांसमीटर बहुत अच्छा है.
ये ना पूरा अल्ट्रासोनिक उस पर काम करता है, तो दिक्कत नहीं आना है। बहुत अच्छा ट्रांसमीटर है, बहुत ही अच्छा ट्रांसमीटर है, बहुत बढ़िया रेंज और बहुत लंबी रेंज मिलने वाली है। इसके साथ में आपको चार्जर मिलेगा 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट इसके अंदर बड़ी बैटरी लगी है 12 वोल्ट 12 एम्पियर की। नहीं तो दूसरी जो गाड़ी आती है, एक ये गाड़ी आएगी सेम, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये भी बेहतरीन चीज़ है। दूसरी गाड़ियाँ एक ये मिलेंगी आपको, एक फोर्ड का मॉडल मिल जाएगा, ये टोयोटा मिल जाएगा, जो भी गाड़ी चाहिए। अभी सारे एक एक करके सारे सारे रिव्यूज आएंगे, सारे आपको फीचर्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अभी तो अपन इसी पे रहते हैं। एक सेफ्टी फीचर, आपको सेफ्टी बेल्ट मिलेगा, बच्चा छोटा है तो बेल्ट लगा के बिठा दो और अपना ट्रांसमीटर से आप खुद ऑपरेट करो, बड़ा हो जाएगा खुद चलाएगा। ट्रांसमीटर से ऑपरेट करने के लिए आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, सीट बेल्ट लगाओगे तो बच्चा गिरेगा नहीं। इसके अंदर मेन चीज यही रहती है कि अगर 10 साल का भी बच्चा है ना तो भी काम आएगी, 17 साल का तो भी काम आएगी। अगर आप खुद चलाना चाहो तो आप खुद चलाओ, 120 किलो की वेट कैपेसिटी, 120 से कम के हो तो चलाओ, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। गाइस एक फीचर और मैं अगर आपको बताऊं इसका, तो इसके अंदर ना ये जो डिक्की है आगे की, जो बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी वगैरह में आती है ना आगे से जो डिक्की खुलती है, इसके अंदर भी वही चीज़ है। ये देखो दो लॉक्स आएंगे, दो लॉक आपने खोले और ये पूरा बूट स्पेस है आपका, चेक करो आप, ये पूरा बूट स्पेस है। इसके अंदर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बैटरी रखना है आपको, कुछ सामान रखना है बच्चे का, तो इसके अंदर रख दिया और इसको वापस से ऐसे इसके अंदर फिट करके इसको वापस से लगा दिया, एक इधर से लग जाएगा एक इधर से लग जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत शानदार चीज़ है। और डिस्को लाइट तो आप देख रहे हो, रात में इसका लुक देखोगे ना अल्टीमेट आएगा, लोग देखेंगे ना तो पूछेंगे आपसे कि कहाँ से लाए गाड़ी, तो आप बताना इवोल्ट मोटर सही है। गाइस तो अब आप पूछोगे कि गाड़ी देख ली, फीचर पसंद आ गए, गाड़ी पसंद आ गई या लेना है मुझे तो कैसे लें। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताऊं तो मेरी एक वेबसाइट भी है kidoscoot.com, बट थोड़ा सा उसमें काम चल रहा है, एक दो महीने लगेंगे उसके अंदर, फिर आप डायरेक्टली kidoscoot.com से आप बुक कर सकते हो। evoltmotors.com भी है, दो वेबसाइट चलती हैं अपने, kidoscoot.com evoltmotor.com, दोनों वेबसाइट से आप खरीद सकते हो। लेकिन दोनों में अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, एक आध दो महीने लगेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली वेबसाइट से बुक करो। अभी कैसे बुक करना है तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो आप डायरेक्टली, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, व्हाट्सअप पे आप सिर्फ मुझे मैसेज कर दो हाय के ना हाय का, पूरी डिटेल फोटोज गाड़ी के ये भी आ जाएंगे। आप बोलो दूसरी गाड़ी चाहिए, बजट में नहीं आ रही है ये गाड़ी, मेरे को थोड़ा सा छोटा मॉडल चाहिए, तो वो गाड़ी का फीचर्स वगैरह सब आपको मैं व्हाट्सअप पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर प्राइसिंग की बात करूँ ना बॉस, तो प्राइसिंग ना ऑनलाइन आप चेक करोगे, इसको डाल के देखो, मॉडल डाल के देखो, मॉडल नंबर दे रखा है KP906, आप ऑनलाइन चेक करो, उससे कम में आपको मिलेगी। ऑनलाइन जो है ना 25,000 भी कोई देता है, आपको 24 में भी मिलेगी, और कम से कम ऑनलाइन आप देखोगे ना अच्छी, मतलब जो वेबसाइट रहती हैं जो ऑथेंटिक नहीं रहती हैं, किसी ने भी कुछ भी डाल दिया, तो उस पर भी कम से कम प्राइसिंग जो है वो 21,000 है, और हद से 20,000, इससे कम क्या होगी। लेकिन अभी ऑफर में आपको ना ये 17,500 में मिलने वाली है, 17,500 में आपको ये गाड़ी मिलेगी। ये तो खैर वो हो गया थोड़ा सा अपर बजट में हो गया, 17,500 हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है बच्चों के लिए, और छोटे बच्चे तो इतनी बड़ी कोई बोले सेंस नहीं, अभी लेके छोटी गाड़ी ले लेते हैं बाद में ये लेंगे, तो छोटी गाड़ी ना मेरे पास स्टार्ट हो जाती है, पैसे स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको गाड़ी बताऊँ कौन सी 6,000 रुपये की, तो ये गाड़ी एक यही रखी है, ये ना 7,000 रुपये की गाड़ी है, 6,500 रुपये की गाड़ी। मैं आपको अभी बताऊंगा कौन सी गाड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको, 6,500 में कार आती है, तो वहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी 6,500 से। अपन अगर अभी इसी पर रहते हैं अपन, तो इसी के बारे में बात करते हैं। आपने गाड़ी के फीचर्स वगैरह देख लिए, प्राइसिंग देख ली, मॉडल देख लिया, बुक कैसे करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप पर डालना है। व्हाट्सअप पर आप डालोगे डिटेल्स आ जाएगी आपके पास, आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन बुकिंग अमाउंट एक लगता है, आपको बुकिंग अमाउंट 1,000 रुपये का लगेगा बुकिंग अमाउंट स्टार्टिंग में। वो बुकिंग अमाउंट इसलिए अपन लेते हैं कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे रहते हैं, कहीं से भी उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि यार गाड़ी भेज दो, हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके भेजते हैं, वहाँ से गाड़ी नहीं उठाते हैं, तो जो बुकिंग अमाउंट एक ऐसा आ जाता, आपका बुकिंग अमाउंट आ गया, तो आप ना ऐसा रहता है कि बुक हो गई गाड़ी तो आप तो उठाने आओगे ही सही, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाता है, वहाँ तक के गाड़ी पहुँची वहाँ पे वो उठाने नहीं आए, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एक उधर से ट्रांसपोर्ट वापस बुलाने का खर्चा, तो आप समझ सकते हो। फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है, आप देख ही रहे हो दुकान वगैरह सारी चीज़ें ऑनलाइन, पूरा दो दो वेबसाइट चल रही हैं, होलसेल का काम है अपना, तो फ्रॉड वगैरह की टेंशन ना लो। सिर्फ बुकिंग अमाउंट 1,000 रुपये का, वो तो मजबूरी है, हमारी भी है आपकी भी है, वो स्टार्टिंग में लगेगा ताकि आप सिर्फ गाड़ी उठा लो, तो आप देख ही रहे हो कि बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो फटाफट से अगर बुक करना है तो फटाफट व्हाट्सअप पर आप मैसेज डालिए, आपको ये चाहिए तो ये लीजिए, दूसरी गाड़ी अच्छी है तो सिर्फ मैसेज डालिए, पूरी कैटलॉग आपको मैं दे दूंगा, आप मैसेज करिए हाय के नाम से,
डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो फटाफट से बुक करिए।